हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। तो देखिए, अभी रिसेंट जो कमेंट्स मेरे पास में आई हैं, वहां पर दीपक नाइट्राइट के ऊपर आप लोगों ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो मैं लेके आया हूं दीपक नाइट्राइट के ऊपर। अगेन देखिए, दीपक नाइट्राइट एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार एक बेयर टेरिटरी में है। एंड अभी रिसेंट में देखिए, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर व्हाट इज बेसिकली द रीजन ऑफ दिस फॉल। तो मेरा एक ही जवाब है आप लोगों को कि देयर इज नो रीजन ऑफ फॉल। एक्चुअली दिस इज अ सीजन ऑफ फॉल। ये सीजन जो चल रहा है, ये समझ लीजिए आप मार्केट के अंदर कि जितने भी अच्छे प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं वो आपको गिरते हुए नजर आएंगे। अब आपके सामने दो व्यूज हैं, एक व्यू तो है इन्वेस्टिंग का और दूसरा व्यू है ट्रेडिंग का कि भाई अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इन वैल्यू स्टॉक्स को पैसे इसके अंदर डाल के रखिए और फिर भूल जाइए कुछ महीने के लिए, तो डेफिनेटली आपका लॉस भी रिकवर होगा, आपको जो है प्रॉफिट भी मिलेगा, इनफैक्ट आपका अच्छा खासा जो है रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो पेशेंस नहीं रख सकते हैं, आपको शफलिंग में ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आता है, आप महीने दो महीने के अंदर शफल करना चाहते हैं, तो फिर आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड लेना होगा। और देखिए, अगर आप शफलिंग करते हैं तो फिर आपको एक चीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा के, थोड़ा बहुत लॉस लेके एग्जिट करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब दीपक नाइट्राइट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो मैं फंडामेंटल्स पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको देखिए तभी सजेशन दूंगा एवरेज करने के जब आपको थोड़े बहुत कंपनी के फंडामेंटल्स पता हो। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को रीड कर सकते हैं तो डेफिनेटली रीड कीजिए और फिर आप एवरेज कीजिए लोएस्ट लेवल पर, क्योंकि स्टॉक तो बहुत अच्छा है। अब यहां पर हमारा व्यू प्योरली टेक्निकल है, तो टेक्निकली क्या कुछ इस स्टॉक में हो रहा है वो मैं आपको यहां पर बताने की करता हूं कोशिश। देखिए, स्टॉक ने अपने एक इंपॉर्टेंट और अहम जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर लिया। ये लाइन आप देखिएगा, लाइन में मार्क कर रहा हूं, ये लाइन है 2000 रुपीज के लेवल की, ठीक है। ये 2000 रुपए के लेवल की लाइन थी जो पिछले एक हफ्ते के अंदर, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा हो गया ट्रेडिंग सेशंस को, कि इसने डिसाइसिवली इसको ब्रेक कर दिया था। अगर ये ब्रेक ना होती, इसके ऊपर ही ये स्टॉक निकलता, तो डेफिनेटली फिर हम लोग यहां पर इतना वीक स्ट्रक्चर इसका ना दिखते, क्योंकि ये जो 2000 रुपीज की लाइन है ये एक्चुअली में आज की नहीं है, अगस्त 2000, इनफैक्ट जुलाई 2021 से क्रिएटेड है, अगर आप यहां से देख पा रहे हैं। अब ये लाइन तो उसने देखिए डिसाइसिवली क्रिएट कर दी, और इससे ठीक पहले का जो मूव है वो भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो यहां पर क्या चीज दिखाई दे रही है कि क्लियरली यही ट्रेंड फॉलो होने वाला है, और इसीलिए इसने अपने की रेजिस्टेंस लेवल, की सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। अब रिसेंट का जो इसका सपोर्ट है वो तो देखिए यहां पर है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है उनको समझना चाहिए, अगर 1840 के लेवल ब्रेक हुए तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक और भी बड़ी बेयर टेरिटरी के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। तो 1840 को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के यहां पर अपनी पोजिशंस को कैरी ऑन कीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये कंडीशन क्या है कि ओवर स्ट्रेस्ड कंडीशन है फॉलिंग की, बहुत तेजी से गिरावट इस स्टॉक के अंदर आई है, और ये तकरीबन अगर आप देख रहे हैं 2700 के लेवल्स थे यहां पर इसके, 2700 रुपए के लेवल से और ये 1840 तक के लेवल पर पहुंचा है बहुत ही कम टाइम में, ऑलमोस्ट एक से डेढ़ महीने के अंदर ये स्टॉक यहां पहुंचा है। तो ओवर स्ट्रेस्ड कंडीशन है, तो डेफिनेटली गिरने से पहले और फर्दर डाउन आने से पहले इसके अंदर बीच बीच में राइज आते रहेंगे और उसके बाद ही इस टाइप का ये मूव दिखाता रहेगा। तो फिलहाल की क्या सिचुएशन है कि अगर आपको जल्दी ट्रेडिंग करनी है, शफलिंग करनी है, तो किसी भी राइज के अंदर अगर आपने यहां कहीं पोजीशंस बनाई हैं 2200 रुपए पर या इसके आसपास के एरिया में, तो आपको यहां से एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर वीक है, अभी और नीचे जा सकता है। और अगर आप बेसिकली टाइम दे सकते हैं कम से कम साल भर का, क्योंकि 2022 में वो जो टारगेट्स हैं, वो जो बेसिकली रिटर्न्स हैं, वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा 2020 और 2021 वाले। यहाँ पर ग्लोबल सिनेरियोस बहुत वीक चल रहे हैं, इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो यूएस जैसी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन कगार पर है, और उसके बाद में आपने देखा ये जो यूक्रेन रशिया का इशू अभी करंट में चल रहा है, इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा आगे प्रोलॉन्ग टाइम तक खिंच सकते हैं हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी पर, ध्यान रखिएगा। तो उस सिचुएशन में स्टॉक मार्केट का आउट परफॉर्म करके दिखाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग स्टॉक मार्केट में, याद रखिए, हम लोग गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर निवेश करके नहीं बैठे हैं कि वो एक बहुत सेफ हेवन जो माने जाते हैं वहां पर हम लोग हैं, इसलिए स्टॉक्स को बहुत तरीके से विजडम के साथ में चुनना चाहिए। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं साल भर से ज्यादा का, तब डेफिनेटली आप एवरेज कीजिए, अदरवाइज आपको अभी रुकना होगा। इसका RSI मैं आपको दिखाता हूं, देखिए RSI की जो पोजीशन है वो 34 के आसपास है, एंड क्लियरली दिखा रहा है कि नियर टर्म में, यानी कि शॉर्टर टर्म की बात करें, तो स्टॉक और नीचे फर्दर सिंक हो सकता है। वंस ये स्टॉक अगर अपने इन लेवल्स को 1800 एंड जो मैंने आपको बताया 40 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आया, तो डेफिनेटली आपको फिर काफी बड़े नीचे के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।
आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं जरा इसके वीकली चार्ट्स के ऊपर। वीकली चार्ट्स पर आप देखिए क्या सिनेरियो है, फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूं। ये देखिए वीकली चार्ट्स पर इसने एक डबल टॉप पैटर्न जैसी फॉर्मेशन करी है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि डबल टॉप का आंसर इसके अंदर तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। देखिए डबल टॉप के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा। डबल टॉप इस टाइप का पैटर्न हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद आना चाहिए, तो पहली कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन, दो टॉप्स के बीच का डिफरेंस 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये टॉप कहां पर है, 3000 के लेवल पर, ये टॉप कहां पर है, 2700 के लेवल पर, मैंने देख लिया है। तो ये 10% ही है, एग्जैक्टली 10%, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो पैटर्न है डबल टॉप का ही पैटर्न है। और डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न की फॉर्मेशन अगर नेकलाइन ब्रेक कर देती है तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी वीकनेस आती है। आई होप टेक्निकली आप समझ पा रहे होंगे कि इस डबल टॉप पैटर्न ने यहां पर इस वीकनेस को दिखा दिया है, क्योंकि 2000 के लेवल्स को ब्रीच कर दिया है डिसाइसिवली नीचे की तरफ। मैं वीकली चार्ट्स पर बात कर रहा हूं तो हर एक कैंडल वीक के क्लोजिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, वीक का क्लोजिंग यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये इसने 2000 के नीचे ओपनिंग दी है, 2000 के नीचे क्लोजिंग दी है लास्ट वीक में, तो ये एक्सट्रीम वीकनेस पर है। अब मैं अगर ये चीज दिखाऊंगा आपको कि कितना और ये नीचे जा सकता है, तो वीकली चार्ट्स के हिसाब से आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएंगे। बट यही सच्चाई है टेक्निकली कि आप यहां से और यहां तक का अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो तकरीबन 914 रुपए का आता है, यानी कि 2000 रुपीज से नीचे 914 रुपए का टारगेट आप लगा लीजिए, तकरीबन मैं ये कह सकता हूं कि 1050 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के अंदर। इसीलिए इस स्टॉक में कोई भी बहुत लंबे टाइम का निवेश हो तो ही बनाए, 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर मुझे नहीं लगता ये स्टॉक अभी वापस से इस टाइप का बाउंस बैक दिखाएगा। बीच बीच में देखिए अपसाइड आपको देखने को मिलते रहेंगे, और नीचे जाएगा तो भी इस टाइप के मूव बनाता हुआ जाएगा, तो आपको सेल ऑन राइज अगर करना हो, अगर आपको एग्जिट लेनी हो तो ये पोजीशन ज्यादा अच्छी रहेंगी। हाँ, लेकिन एक चीज और है, अगर आप सोचे कि आज मैं एवरेज कर लूं और फिर आप इस स्टॉक से थक जाए और फिर सोचे कि चलिए अब कोई राइज मिलता है तो मैं सेल कर दूं, वो कभी मत करिए। क्योंकि वो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आज आपने यहां पर 1,00,000 रुपए लगा रखे हैं आप इसको एवरेज करने के लिए और इसके अंदर 50,000 इन्फ्यूज करेंगे, फिर आप 1,50,000 रुपए की इंतजार करते रहेंगे, कभी नो लॉस नो प्रॉफिट पर आए, जो कभी भी किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। मन को बिल्कुल स्थिर रखिए, या तो एवरेज करना है और फिर रुकना है, और या फिर इसको किसी भी राइस के अंदर सेल करके निकलना है, फिर जो प्रॉफिट और लॉस हो उसको लेके बुक करके वहां से निकलना है। तो इन दोनों को कभी भी एक साथ मत चलाइएगा, या तो एवरेज कीजिएगा या फिर यहां से सेल करके निकलिएगा। तो दीपक नाइट्राइट के ऊपर टेक्निकली तो ये व्यू आ रहा है। और अच्छा, मैंने इसके स्टैट्स आपको नहीं दिखाए हैं, वो मैं और दिखा देता हूं एक बार। इसके जो स्टैट्स हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर आप देखिए 3% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। 60 रुपए के आसपास ये स्टॉक गिर के बंद हुआ है, 1914 के ऊपर यहां पर गिरावट है। और डे हाई अगर आप देखें तो 1961 का है, तो काफी ज्यादा गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी, तकरीबन 48 रुपीज के आसपास की गिरावट है अगर आप डे हाई से कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें इसका जो 52 वीक हाई है, वैसे मैंने अभी आपको चार्ट्स पर दिखाया लेकिन वो फिर दिखा देता हूं, 3020 का है 52 वीक लो है, 1428 का 19th of March 2021 का, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये भी एक पॉइंट आपके लिए ऐसा हो सकता है जिसको आप एक सपोर्ट मान सकते हैं, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, बट कंडीशन टेक्निकली मैंने आपको ऑलरेडी वहां बता दी है, वो ज्यादा आपके लिए फेवरेबल साबित होगी। 34% की डिलीवरी परसेंटेज है, तो देखिए यहां पर भी एक डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है, तो स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जो स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल पर आकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज नो रीजन ऑफ फॉल, एक्चुअली दिस इज अ सीजन ऑफ फॉल, एंड जो हाई पीई वाले स्टॉक्स थे वो अब अपनी एक फेयर वैल्यू पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो करेक्शन है इसको आप एंजॉय कीजिए, ना कि इससे घबराइए। फेयर वैल्यू स्टॉक ढूंढ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्टेबिलिटी आ रही है, फेयर वैल्यू पर आकर ये डेफिनेटली कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेशन के बाद में एक नया मूव दिखाएगा। तो ये साइकिल है, 4 स्टेज की साइकिल्स होती है, जिसमें पहली होती है एडवांसमेंट, दूसरी होती है फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन एंड एक्यूमुलेशन। ये 4 स्टेज हर एक स्टॉक की लाइफ में आता है। इस वक्त देखिए अभी जो ये स्टेज चल रही है इसको हम डेक्लाइन स्टेज में बोलते हैं, तो यहां पर गिरने दीजिए, गिरने के बाद में एक बार इसके अंदर एक्यूमुलेशन बनेगा, उस एक्यूमुलेशन के अंदर आपको बाइंग करनी है, एंड फिर यहां पर एक अच्छा खासा आप मूव देखने को मिल सकता है।
तो ये टेक्निकल व्यू आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं, और मैंने जो आपकी रिक्वेस्ट आई थी उसको पूरी तरीके से यहां पर क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। कोई भी डाउट रह जाए स्टिल फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करने की पूरी पूरी करूंगा कोशिश। इससे ठीक पहले भी दो वीडियोस डाल चुका हूं, वो भी आप जाकर जरूर देखिए। पहली है naukri.com की, वहां पर किस टाइप का पैटर्न है टेक्निकली वो समझाने की कोशिश करी है। दूसरा HCL टैग, कि HCL टैग को लेकर लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था अगर हम बात करें लास्ट ईयर की 2021 में, बट इस वक्त की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या आपको बाय करना चाहिए इस गिरावट में या नहीं, वो पॉइंट्स मैंने वहां क्लियर करी है। तो वो दोनों वीडियोस भी आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये वीडियो को कर रहा हूं यहीं पर ही एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, देखिए अभी चैनल के ऊपर 38,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहता हूं उन सब्सक्राइबर्स को हम जल्दी से 50,000 पर ले जाए, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल शुरू करूं और वहां पर मैं आपकी 1-to-1 लाइव क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूं और अपनी लाइव ट्रेडिंग जो है आपके सामने शेयर कर पाऊं कि मैं किस तरीके से पोजिशनल या फिर इंट्राडे ट्रेड करता हूं ऑप्शंस के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल मैं जल्दी लॉन्च करूं तो प्लीज सब्सक्राइब काउंट बढ़ाने में मेरी मदद करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाए। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।